So, beta, good morning, everyone. Once again, in today's English class, we are going to start a new topic. ठीक है, आज हम एक new topic start करने जा रहे हैं. You can see at the screen. ठीक है, ये लिखा हुआ जहाँ पे मैम अपना cursor move कर रहे हैं, यहाँ पे एक word लिखा हुआ है, that is comprehension. तो ये आपने पहले कभी नहीं किया हुआ. पहले तो जो हम चीजें कर रहे थे आपने यूकेजी में की हुई थी, बट आज वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज टोटली न्यू फॉर यू, आपके लिए बिल्कुल न्यू है. सो लिसन केयरफुली, आपने अच्छे से सुनना है मैम की इंस्ट्रक्शंस को. तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, अ पैसेज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. एक आपको पैसेज दिया जाता है छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में, आपने उस पैसेज को अच्छे से रीड करना है. अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती, यू विल रीड इट अगेन. अगर आपको फिर से समझ नहीं आती, आपने उसको फिर से रीड करना है. बट मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन शुड बी क्लियर टू यू. उसका हर लाइन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड ऑन द पैसेज. फिर उस पैसेज में से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपकी बैक एक्सरसाइज होती है ना इंग्लिश के चैप्टर के बाद और ईवीएस के चैप्टर के बाद, ऐसे ही इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द सेंटेंसेस की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वो क्वेश्चन आप कैसे कब कर पाओगे, इफ यू विल रीड द पैसेज केयरफुली. अगर आप पैसेज को अच्छे से रीड करोगे और आपको उस पैसेज की समझ आई होगी. इसीलिए मैम जब भी आपको चैप्टर रीडिंग करवाते हैं, आप कोई 2-3 लाइंस रीड करते हैं, मैम हमेशा आपको पूछते हैं कि आपको इसका मीनिंग समझ आया, आपने क्या रीड किया. ओके, जब तक आपको पैसेज का मीनिंग नहीं समझ आएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे गए आपको उससे. ठीक है, तो आज मैम ने ही मोस्टली, आप जो फर्स्ट डे आज ये काम कर रहे हैं, तो मैम विल रीड द पैसेज. जो पैराग्राफ होगा आज मैम रीड करेंगे. टुमारो अगेन वी विल रिवाइज दिस टॉपिक. हम नेक्स्ट पैसेज फिर से एक और करेंगे कल. कल मैम आपसे रीडिंग करवाएंगे. ठीक है, एंड लिसन वन थिंग केयरफुली, जब आपका एग्जाम होगा तब आपको इस बुक में से कोई पैसेज नहीं आएगा, आपको एक अनसीन पैसेज आएगा. अनसीन मींस जो आपने पहले रीड नहीं किया होगा. जैसे आपको कॉम्पोजिशन आती है ना, लाइक मैम ने आपको माई पेंसिल की कॉम्पोजिशन करवाई, तो आपको कोई पेपर में और कॉम्पोजिशन आती है लिखने के लिए. तो इन द सेम वे आपकी इस बुक में से आपको एग्जाम में पैसेज नहीं आएगा, अनसीन पैसेज होगा. राइट, इजी होगा, बस आपको मेन क्या करना है, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग. इसीलिए डेली मैम कहते हैं कि आपने डेली रीडिंग करनी है, चाहे आपको होमवर्क मिला है या नहीं मिला रीडिंग का. अभिमान बेटा सिट प्रॉपरली. आई थिंक यू आर लाइंग. अभिमान सिट प्रॉपरली बेटा. सो लुक एट द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहले आपने कोई भी, जब भी आपको काम मिलता है पेपर में या अदरवाइज भी, सबसे पहले आपने हेडिंग को अच्छे से रीड करना. इस हेड, क्योंकि जो हेडिंग होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं. इसमें क्या लिखा है, रीड द पैसेज, PASSAGE. ये वर्ड क्या है, पैसेज. पैसेज मींस ये जो नीचे ब्लैक कलर में मैम ने पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज द पैसेज. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले आपने पैसेज को रीड करना है, आफ्टर देन उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपने करना है. ठीक है, उनके आपने आंसर्स देने हैं. ओके, आई एम गोइंग टू रीड द सॉरी पैराग्राफ. द लायन इज अ बिग कैट. जो लायन है एक बड़ी कैट है. जो लायन है, क्योंकि वो कैट फैमिली को बिलोंग करता है. ठीक है, बट जो लायन है इसका जो साइज है, नॉर्मल आप जो कैट्स देखते हो अपने सराउंडिंग्स में, उससे ये बहुत बड़ा होता है लायन, और इट्स वेरी डेंजरस. ठीक है, तो बट इट बिलोंग्स टू अ कैट फैमिली. ये कैट फैमिली को ही बिलोंग करता है.
again I am going to repeat this line, the lion is the big cat. आपने each and every line को अच्छे से read करना है, क्योंकि किसी भी line में से question पूछा जा सकता है. और जब भी full stop आता है ना, आपने वहां पे pause लेना होता है, आपने रुक जाना होता है. ठीक है, सीधा नहीं read करना the lion is a big cat, it is a wild animal, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या reading कर रहे हो. Again I am going to repeat, the lion is a big cat, it is a wild animal. ये एक wild animal है, like जैसे कुछ animals क्या होते हैं, pet होते हैं, है ना, जिनको हम अपने घर में रखते हैं. कुछ domestic animals होते हैं जो farm में रहते हैं और जिसको हम किसी purpose के लिए use करते हैं. तो जो lion है ये जंगल में रहते हैं, और जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स. तो लायन, लायन इज द वाइल्ड एनिमल. ये जो इट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है, लायन के लिए. ठीक है, लायंस हंट फॉर फूड, हंट मीन शिकार करना. जो लायन शिकार कैसे करते हैं, किसी को मार के अपना जो खाना खाना होता है लायंस ने, वो कैसे खाते हैं, वो उसके लिए हंट करते हैं. ठीक है, तो लायंस हंट फॉर फूड. फिर से अब फुल स्टॉप था इसलिए मैम ने पॉज लिया, थोड़ा सा रुक गए मैम. अब बेबी लायन इज कॉल्ड अ कब. जो बेबी लायन होता है, जो लायन का बच्चा होता है, उसे कहते हैं कब. जैसे डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स, what do we call the lion, baby of a dog, what do we call the baby of a dog, it's pup or puppy. haan ji, and what do we call the baby of a cat, cat ke baby ko kya kehte hain, yes kitten, yes right, I can see the answers in the chat box. and what do we call the baby of a hen, हेन के बेबी को क्या कहते हैं, चिक. ये आपने अभी अपने रीडर में भी पढ़ा था, लालू एंड पीलू में. तो जो लायन का बेबी है उसे क्या कहते हैं, कब. नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड. अगर किसी जगह पे एक लायन खड़ा है तो आप उसे लायन कहते हो. जब बहुत सारे लायंस ग्रुप में खड़े हैं उसे आप क्या कहोगे, प्राइड. ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड. लाइक और कोई एग्जांपल सोचो, जैसे कोई पर्सन खड़ा है. ठीक है, अगर आप कहोगे अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके लिए हम पीपल वर्ड भी यूज करते हैं. राइट, एक फ्लावर होता है तो उसके लिए हम फ्लावर वर्ड यूज करते हैं. जब बहुत सारे फ्लावर होते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, बुके वर्ड यूज करते हो. सो इन द सेम वे अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड. अगेन देयर इज अ फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन इज अ मेल सेंटेंस, सॉरी, अ मेल लायन हैज अ थिक मेल. मेल का मीनिंग पता है, मेल और फीमेल. राइट इन द चैट बॉक्स, क्या होते हैं मेल एंड फीमेल, यूकेजी में आपने पढ़ा हुआ है. क्विकली लेट सी हु इज गोइंग टू गिव द आंसर. जेंडर, यस. और क्या वर्ड आपने यूज किया होगा मेल एंड फीमेल के लिए, मेल बॉयज को, हाँ जी, मैन एंड वुमेन, हाँ जी, he and she. जैसे मेल पीपल के लिए आप he वर्ड यूज करते हो, बॉयज हुआ, फादर हुए, अंकल हुए, तो वो क्या है, सभी मेल पर्सन हैं. और जो फीमेल्स होते हैं, आपके मम्मा हुए, गर्ल्स हुई, सिस्टर्स हुई, आंट्स हुई, दे ऑल आर फीमेल्स. ऐसे ही एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल्स होते हैं. जो मेल लायन होता है, अ मेल लायन हैज अ थिक मेन. मेन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों की बहुत ज्यादा ग्रोथ अराउंड द नेक, ये कुछ एनिमल्स के होती है. और आपने देखा होगा, अगर लायन की पिक्चर देखी हो कभी, लायन को टीवी में देखा हो तो आपने देखा होगा उसके फेस के अराउंड, नेक के अराउंड बहुत सारे बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन. नेक्स्ट सेंटेंस, यस सांची गुप्ता मैम,
जो लायन है वो बड़ा होता है बहुत कैट बड़ा होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है। हाँ जी ठीक है मैम, करें आप रीड रीड योर सेल्फ। द फीमेल लायन डज नॉट हैव अ मेन। ये जो ग्रोथ ऑफ हेयर मेल लायन की नेक के आसपास होती है ना, जैसे आप अपना कंपैरिजन करो, आप देखते हो आपके पापा या आपके अंकल हैं, ग्रैंडफादर है, ठीक है, उनके बियर्ड आती है, होती है ना फेस पे बियर्ड होती है, पर आपके मम्मा आंट ग्रैंड मदर के तो फेस में नहीं ना होते हेयर वगैरह ऐसे वाले। सेम वे मेल और मेल लाइन एंड फीमेल लाइन में भी ये डिफरेंस है। जो मेल लाइन है उसके नेक के अराउंड, फेस के अराउंड थिक मेन होती है, बहुत सारी ग्रोथ ऑफ हेयर होती है, बहुत सारे बाल होते हैं। बट द फीमेल लाइन डज नॉट हैव अ मेन। जो फीमेल लाइन होती है उसके अराउंड ये मेन नहीं होती। दिस इज द डिफरेंस एंड इट इज कॉल्ड लाइनस। उसको क्या कहते हैं? लाइनस। अब ये जो इट वर्ड यूज किया गया ये फीमेल लाइन के लिए यूज किया। जैसे फादर का जो जब हमने जेंडर चेंज करते हैं, अभी आपने लिखा हुआ था चैट बॉक्स में मदर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, ऐसे ही जो लाइन का है वो क्या है? लाइनस। ओके, अगर आपको एक बार में पैसेज क्लियर नहीं होता, नहीं समझ आता, यू कैन रीड इट वंस अगेन। आप एक बार इसको फिर से रीड करोगे जब आप घर पे वर्क करोगे, राइट? अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है? You people will read those question answers and I will call you one by one. First is the turn of Vivan Gupta. Vivan, yes, ma'am. First of all, yes, ma'am. हाँ जी हाँ जी, मैंने सुन ली आपकी आवाज। Read this heading in red color. Red color में जो heading है, read it बेटा. Correct option. तो ये आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन ईवीएस में, ईवीएस की बैक एक्सरसाइज में, इंग्लिश की बैक एक्सरसाइज में किया हुआ है कि कोई क्वेश्चन होता है फिर उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं, टू या थ्री ऑप्शंस होती हैं जिसमें से वन ऑप्शन करेक्ट होती है और बाकी अदर ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग होती हैं, आपने राइट ऑप्शन पे टिक करना होता है। विवान रीड दिस फर्स्ट वन। अब ये ब्लैक कलर में रीड करो क्या लिखा है। विवान, ओके, नो रिस्पॉन्स। देवन रंधावा, देवन, देवन, यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन विच इज रिटन इन ब्लैक कलर। व्हाट डू, व्हाट डू लायंस, 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 व्हाट डू लायंस, एच यू एन टी वर्ड आया था पैसेज में, हंट, हंट फॉर, क्या मीनिंग है इसका? व्हाट डू लायंस हंट फॉर? इसका मतलब है कि लायन किस चीज के लिए हंट करते हैं, शिकार करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? डू यू रिमेम्बर क्या आया था पैसेज में कि लायंस हंट फॉर? ऑप्शंस रीड करो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फूड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देवन? फूड। सेकंड, सेकंड ऑप्शन इज वाटर। सेकंड ऑप्शन इज वाटर। वाटर एंड थर्ड वन इज, थर्ड वन इज CLOTHES, क्लोथ्स। तो पैसेज का आपको याद है, पैसेज में क्या आया था कि जो लायंस है किस चीज के लिए हंट करते हैं? खाने लिए। देवन, डू यू रिमेम्बर और नॉट?
पैसेज में आपने पढ़ा था कि लायंस किस चीज के लिए हंट करते हैं? नो रिस्पॉन्स. देवन यू आर बिकमिंग केयरलेस बेटा, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते आजकल क्लास में. अरनीत कौर, अरनीत कौर. यस मैम. हाँ जी बेटा, व्हाट इज द आंसर? मैम, अरनीत कौर. यस मैम. हाँ जी बेटा, व्हाट डू लायंस हंट फॉर? क्या करेक्ट ऑप्शन है? तू तो कर देने को बड़ी देखो बुकला ले, तो क्लास वाले तो क्लास ही मिस कराई जानी ओदी. मैम मैम अच्छा तो दे दो अबू. Arneet, are you going to give the response? Food. Man, food. Hanji? Food. Hanji. Vihan ne answer kiya hai chat box mein. Food. And what about other students, Hanji? Bahut sare bachcho ne kiya hua hai. Kab kisne likha hai? Kis cheez ka answer likha? Yash ne ab aake kab? Okay, second ka I think so. Next is the turn of Rhythm Sharma. So what do the lions hunt for? Correct answer is food. Rhythm Sharma. Bolo. Yes ma'am. Anji beta, two number read karo. What is the baby lion called? Read the options. First one is? Pup, cub, kitten. And which is the correct one? Cub. What is the baby lion called? Baby lion ko kya kaha jata hai? And the correct answer is cub. Cub. Good. Let's have a look at the answers. Ma'am ne bhi answers kiye hain. What do the lions hunt for? Answer is food. And what is the baby lion called? Answer is cub. Now be ready for the next question. Avni. Avni, unmute yourself. Yes, ma'am. Read this heading. True-false. True-false. हाँ जी, पता है अब तक आपको आई थिंक कि ट्रू फॉल्स का मीनिंग प्रॉपरली सभी बच्चों को क्लियर है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी हैव डन. हाँ जी बेटा, रीड द फर्स्ट सेंटेंस. Speak a little bit louder, थोड़ा सा ऊंचा बोलो. अवनी, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है मुझे. मनमीत कुमार, मनमीत कुमार. Yes, ma'am. Anji, beta, read this first sentence. First sentence ko read karo. Aur phir aapne batana hai whether it is true or false. The female lion has a many. Many to nahi hai beta, M-A-N-E. Many to M-A-N-Y hota hai, many. The female lion has a mane. मेल. हाँ जी, इज इट ट्रू और फॉल्स? पैसेज में क्या आया था, किसकी मेन है? मेन का मीनिंग क्लियर हुआ आपको? यस मैम. हाँ जी, क्या था मेन का, क्या मीनिंग बताया था मैम ने? क्या मीनिंग बताया था? जिसको भी पता है मीनिंग राइट इन द चैट बॉक्स. बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बट पता नहीं क्यों जिनसे मैं सुनती हूँ वो बच्चे क्यों नहीं करेक्ट आंसर देते. मेन मैंने बताया, बहुत सारे जो एनिमल्स की नेक के, कुछ एनिमल्स की नेक के अराउंड, फेस के अराउंड बहुत सारे बाल होते हैं बेटे, उसको मेन कहते हैं.
एम ए एन ई मेन, तो आपने ये लाइन रीड की थी पैसेज में, द फीमेल लायन हैज अ मेन, फीमेल लायन की मेन होती है शी, अमरिंदर, अमरिंदर, यस मैम, हां जी बेटा, आपने आंसर इसका दिया, बताओ मुझे क्या आंसर है, क्या आंसर है, फॉल्स, क्यों फॉल्स है, व्हाई इज इट फॉल्स, क्यों लिखा है आपने इसको फॉल्स, क्योंकि जो मेल लाइन है उसके मेन होती है, फीमेल लाइन के मेन नहीं होती, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड वी विल राइट हियर फॉल्स। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से सुना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, एक नूर, एक नूर, हाँ जी बेटा ये रीड करो, दिस सेंटेंस रीड कर दो, बी नंबर पे जो लिखा है, द लायन इज द पेट एनिमल, द लायन इज अ पेट एनिमल, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्यों फॉल्स है, व्हाई इज इट फॉल्स मैम, क्योंकि वो पेट नहीं है, कौन सा एनिमल है वो, वाइल्ड, कौन सा एनिमल है वो, वाइल्ड एनिमल, कौन सा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, हाँ जी, प्रांजलि, प्रांजलि, यस मैम, हाँ जी, रीड द नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, A group of lions is called a pack. A group of lions is called a. यहाँ बेटा pride आना था word. By mistake ma'am से pet लिखा गया. It should be pride. A group of lions is called a pride. आपकी book में भी pride word है. तो ये लाइन आई थी पैसेज में, डू यू रिमेम्बर, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड, क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ लायंस को जब बहुत सारे लायंस होते हैं, प्राइड, ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस, जो ग्रुप ऑफ लायंस हैं उन्हें प्राइड ही कहते हैं, so this sentence is true, true, next is the turn of Prabgun, Prabgun, yes ma'am, haan ji beta answer karo, last one, the family line, female, the word is female, is called a lioness, बेटा रीडिंग नहीं आती आपको, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, द फीमेल लायन इज कॉल्ड अ लायनेस, आपके पैसेज की देखो लास्ट लाइन में ही ये चीज लिखी थी, ठीक है, इट इज कॉल्ड लायनेस, और मैंने बताया था ये फीमेल लायन के लिए लिखा गया है, तो दिस सेंटेंस इज ट्रू, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर, द फीमेल लायन हैज अ मेन, क्योंकि मेल लायन के मेन होती है, सो इट इज फॉल्स, द लायन इज अ पेट एनिमल, नो इट्स अ वाइल्ड एनिमल, सो अगेन इट इज अ रॉन्ग, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड, ये सेंटेंस करेक्ट है, इट्स ट्रू, द फीमेल लायन इज कॉल्ड अ लायनेस, so this sentence is again true, and the next one is Naksh Sharma, Naksh, yes ma'am, read the heading beta,
इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा आपने उसको पैसेज में से फाइंड करना है, ठीक है? इसके जो मिसिंग वर्ड्स होंगे पैसेज में से ढूंढ के ही लिखने हैं। हाँ जी अक्षय बेटा देखो क्या लिखा है। आप कभी रिस्पांस नहीं करते हो बेटा क्लास में। अक्षय पर्ल पर्ल Yes, ma'am. हाँ जी बेटा रीड करो ये सेंटेंस फर्स्ट वन। ए मेल अ मेल लायन 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 हैव Yes. अब आपने क्या करना है, a male lion has, आपने अपने पैसेज को देखना है, देखो कहां पे ये लाइन आपको मिल जाएगी, a male lion has, उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे आपकी लाइन a male lion has, यहाँ तक लिखा है और ये बाकी के वर्ड्स आपने लिखने जो फुल स्टॉप तक है, उसके बाद नहीं कुछ भी लिखना। तो यहाँ क्या है, a thick mane। तो आपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वहां क्या फिल करना है, सॉरी नेक्स्ट लाइन, अ मेल लायन हैज अ थिक मेन। जब भी आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस करने हैं आपने अपने पैसेज को जरूर चेक करना है। ओके नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ यक्षवृद्धि। यक्षवृद्धि यक्ष मैम। हाँ जी बेटा नेक्स्ट वन रीड करो। ओके द द लाइन इज अ डैश। अब आपने फिर से देखना है कि आपके पैसेज में से ये लाइन कहां पे थी। द लाइन इज अ द लाइन इज अ मैसेज को चेक करके फिर से आपने कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। द लायन इज अ फर्स्ट सेंटेंस में भी लिखा है द लायन इज अ द लायन इज अ बिग कैट। हाँ जी तो ये लिखा है द लायन इज अ फिर आगे आपने क्या लिखना है बिग कैट। फुल स्टॉप के बाद के वर्ड नहीं लेने आपने। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ दो है दो dash does not not Rishabh reading नहीं आती बेटा reading नहीं आती आपको have a main the dash does not have a main Kritik Sani what is the answer Kritik Sani क्या है आंसर बेटा इसका सबके वीडियो ऑफ पड़े हैं
The dash does not have a mane. Lion has. यहाँ देखो ये लाइन थी द फीमेल लायन डज नॉट हैव अ मेन. तो आपने वहां क्या वर्ड करना है फिर द फीमेल लायन. ये मिसिंग है यहाँ पे. यू पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन. अ मेल लायन हैज अ थिक मेन. द लायन इज अ बिग कैट. The female lion does not have a mane. Okay, so beta, that is your comprehension passage. आपको मैम ने बताया कैसे आपने इसको सॉल्व करना है. अब आपने आपके पास